हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। ससठवीं बीपीएससी बिहार एसएससी सीडीपीओ दरोगा आन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बिहार स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग बिहार से रिलेटेड फैक्ट को देखते हैं ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो ना छूटे। आज का टॉपिक देखते हैं जनसंख्या। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10,40,99,452। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या में पुरुषों की संख्या कितना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5,42,78,157। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या में महिलाओं की संख्या कितना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4,98,21,295। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। तो 52.14% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। तो इसका आंसर होगा 87.86%। नेक्स्ट है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर किस जिले की है। तो शिवहर 1882। नेक्स्ट है, बिहार की जनसंख्या में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस जिले की है। तो कैमूर भभुआ का जनसंख्या घनत्व 488 है। नेक्स्ट है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है। तो तीसरा प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या है। तो 918। प्रोविजनल आंकड़ा 916 है, 2001 के जनगणना के अनुसार 919 है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से निम्न जिला में सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो पटना है, पटना बिहार का सबसे नगरीकृत जिला है। नेक्स्ट है, भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है। तो 8.60%। नेक्स्ट है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व क्या है। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व प्रोविजनल आंकड़े के अनुसार 1102 और 2001 में राज्य की जनसंख्या घनत्व 881 थी। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में शिशु लिंगानुपात क्या है। तो जगह 935। बिहार में शिशु लिंगानुपात 2001 में 942 था। नेक्स्ट है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की सबसे कम जनसंख्या है। शेखपुरा। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाले बिहार के चार जिले हैं, शेखपुरा, शिवहर, अरवल और लखीसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस दशक में जनसंख्या में कमी अंकित की गई है। तो 1911 से 1921। नेक्स्ट है, वर्ष 2001 से 2011 के दशक में बिहार में जनसंख्या में 25.4% की वृद्धि हुई है। बताया यह देश की जनसंख्या वृद्धि से अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी लिंगानुपात 895 एवं ग्रामीण लिंगानुपात 919 है। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार का लिंगानुपात भारत की तुलना में कम है। अंतिम आंकड़ा के आधार पर भारत 943, बिहार 918। नेक्स्ट है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है। तो प्रथम। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का प्रतिशत है। तो 11.30%। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण आबादी कुल आबादी का प्रतिशत है। तो यह जगह 88.70%। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में प्रति हज़ार औसत जन्म दर है। तो 27.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में प्रति हज़ार औसत जन्म दर है 27.7। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में औसत मृत्यु दर प्रति हज़ार है 6.7। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में कुल शिशु मृत्यु दर प्रति हज़ार है। तो ये 44 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति की न्यूनतम जनसंख्या किस जिला में है। तो शिवहर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम दर्शाता है। तो इसका आंसर होगा दरभंगा, सारण, सिवान, समस्तीपुर।
दरभंगा 1446, सारण 1230, सिवान 1223, समस्तीपुर 1169। नेक्स्ट है जनसंख्या जनगणना 2011 के आंकड़े के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत किस जिले की है, तो गया की है 30.4%, नवादा 25.5%, औरंगाबाद 23.10%, कैमूर 22.69%। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार आंकड़े के अनुसार बिहार में न्यूनतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत किस जिले की है, तो इसका आंसर होगा किशनगंज। किशनगंज 6.69% है, कटिहार 8.57% है, भागलपुर में 10.49% है, सिवान 11.61% है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण जनसंख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9,23,41,436। सन 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या 7,43,16,709 है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण पुरुषों की संख्या है, तो ये है 4,80,73,850। नेक्स्ट है सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण महिलाओं की जनगणना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4,42,67,586। नेक्स्ट है सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी जनसंख्या है, तो ये है 11,75,816। नेक्स्ट है 2011 के अनुसार 86,81,800 बिहार की शहरी जनसंख्या है। नेक्स्ट है सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी पुरुषों की जनगणना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 62,04,307। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी पुरुषों की जनसंख्या 4,64,08,799 है। नेक्स्ट है सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी महिलाओं की जनसंख्या है, तो ये है 5,55,03,709 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति की संख्या है, तो ये है 1,65,67,325। नेक्स्ट है सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति की संख्या है, तो ये हो जाएगा 13,36,573, यानी कि बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति SC का प्रतिशत कितना है, तो 15.9%। नेक्स्ट है सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित ST का प्रतिशत है, तो 1.3%। नेक्स्ट है भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगर में बिहार की राजधानी पटना का स्थान कौन सा है, तो यह 18वां है। पटना बिहार का 1,000,000 से अधिक आबादी वाला एकमात्र शहर है। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के 20 मेगा शहर में पटना आता है, उसकी आबादी है 20,46,652। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में 2001 से 2011 जनसंख्या वृद्धि दर है 25.42%। वर्ष 1991 से 2001 में बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर 28.62% थी। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर है, तो यह 2.54%। जनगणना 2001 में वार्षिक वृद्धि दर 2.86% थी। नेक्स्ट है जनगणना 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के आधार पर हम कह सकते हैं कि बिहार की जनगणना वृद्धि दर है कुछ कम हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना 2001 के अनुसार बिहार के जिला का घटते क्रम में जनसंख्या घनत्व का सही क्रम है, तो पटना, दरभंगा, वैशाली, सारण। पटना 1474, दरभंगा 1446, वैशाली 1335, सारण 1230। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले का सही क्रम बढ़ते क्रम में है, तो कैमूर, जमुई, बांका, पश्चिम चंपारण। 2001 की जनगणना के अनुसार कैमूर, जमुई, बांका, पश्चिमी चंपारण है। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो यह है गोपालगंज 1021। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के आधार पर बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो मुंगेर। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले का सही क्रम बढ़ते क्रम में है, तो जगह मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया, शिवहर, पटना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं,
मुंगेर में 873 है, भागलपुर में 880, खगड़िया 883, सीवर 893, पटना 895। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले का सही क्रम घटते क्रम में है, तो यह जगह गोपालगंज, सिवान, सारण, किशनगंज। गोपालगंज 1021 है, सिवान 988, सारण 954, किशनगंज 950। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के आधार पर बिहार के उस जिले का नाम बताए जहाँ सर्वाधिक देश की जनसंख्या की वृद्धि हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा मधेपुरा, दर एक में सीवर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के आधार पर बिहार के उस जिला का नाम बताएं जहां न्यूनतम दस की जनसंख्या की वृद्धि हुई है, तो गोपालगंज। 2001 में नालंदा 18.64%। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के जिले का घटते क्रम में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले चार जिले दस की जनसंख्या वृद्धि का सही क्रम है, तो इसका आंसर हो जाएगा मधेपुरा, किशनगंज, खगड़िया, अररिया। सर्वाधिक चार जिले मधेपुरा 31.32%, किशनगंज 30.40%, अररिया 30.25%, खगड़िया 30.19%। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के जिलों का बढ़ते क्रम में न्यूनतम दस की जनसंख्या वृद्धि वाले चार जिले दस की जनसंख्या वृद्धि का सही क्रम है, गोपालगंज, दरभंगा, अरवल, मुंगेर। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में अनुसूचित जनजाति की किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत है, तो पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण 6.35%, कटिहार 5.86%, बांका 4.44%, पूर्णिया 4.27%। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के आधार पर बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिले का सही क्रम है, तो इसका आंसर हो जाएगा पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी। इसकी व्याख्या 2001 में भी सही क्रम था। 2011 की जनगणना के अनुसार उपरोक्त जिलों में आबादी लगभग पटना 58.4 लाख, पूर्वी चंपारण 50.99 लाख, मुजफ्फरपुर 48 लाख, मधुबनी 44.9 लाख। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात में बिहार का स्थान है, तो 25वां है भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले बिहार के जिले को पहचानिए, तो केवल गोपालगंज। गोपालगंज 1021, सिवान 988, सारण 954। नेक्स्ट है सन 2011 की जनगणना में बिहार का लिंगानुपात दर्शाता है, तो जाएगा सन 2001 की जनगणना से कम। 2001 में बिहार में लिंगानुपात 919, 2011 में लिंगानुपात 918। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के आधार पर सर्व भारत की तुलना में बिहार की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है, भारत की तुलना में काफ़ी कम। समस्तीपुर बिहार का सबसे कम नगरीकृत जिला है। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के आधार पर सर्व भारत की तुलना में बिहार की जनसंख्या का दस की दर है, तो भारत की तुलना में अधिक है, भारत 17.7%, बिहार 25.4%। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के आधार पर सर्व भारत की तुलना में बिहार का लिंगानुपात है भारत से कम, भारत का लिंगानुपात 943, बिहार का लिंगानुपात 918। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के आधार पर सर्व भारत की तुलना में बिहार का जनसंख्या घनत्व है, तो भारत की तुलना में लगभग 2.90 गुना अधिक, भारत 382, बिहार 1106। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले का सही क्रम घटते क्रम है, तो वह शिवहर, पटना, दरभंगा, वैशाली। शिवहर 1880, पटना 1823, दरभंगा 1728, वैशाली 1717। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्यों में बिहार का स्थान है, तो दूसरा, बिहार भारत का दूसरा सबसे कम नगरीकृत राज्य है। नेक्स्ट है वर्ष 2017 में बिहार के अधिसूचित जन्म दर थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 26.4। बिहार में जन्म दर ग्रामीण 27.2, शहरी 20.9 है। बिहार में वर्ष 2017 की जन्मकालीन मृत्यु दर थी तो 24 थी। बिहार में शिशु मृत्यु दर वर्ष 2017 में थी तो 35। नेक्स्ट सन 2011 में जनगणना के अनुसार बिहार में कितना प्रतिशत जनसंख्या हिंदुओं का है, तो 82.69%। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में मुस्लिमों का कितना प्रतिशत जनसंख्या है, तो यह है 16.87%। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में परिवारों की संख्या है 1,89,13,565। ग्रामीण परिवारों की संख्या है 1,68,62,940 तथा शहरी परिवारों की संख्या 2,05,625 है। नेक्स्ट जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में 0 से 6 आयु
समूह का जनसंख्या है तो इसका आंसर हो जाएगा 1,91,33,964। बिहार की कुल जनसंख्या का 18.38% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, तो यह शहरी, इसका आंसर हो जाएगा 895 हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है जनसंख्या, सॉरी ग्रामीण 921 है, शहरी 895 है। नेक्स्ट है जनसंख्या, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान है तो तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2017 में बिहार के अनुसार बिहार में प्रजनन दर है 3.2। बिहार में 2017 में बाल मृत्यु अनुपात थी तो यह हो जाएगा 9 थी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक दो बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए और इस सेट से कोई क्वेश्चन आए तो ना छूटे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक।